हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री से आई पैन इंडिया रिलीज ड्रामा एंड हिस्टोरिकल मूवी हर हर महादेव के बारे में। इस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज के युग के एक महान योद्धा के जीवन की सच्ची गाथा को दिखाया गया है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वो इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया। और ये मूवी उन्हीं शूरवीर योद्धा वीर बाजी प्रभु देश पांडे को दी गई एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। मूवी की कहानी में बताया गया है किस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति बने और उन्होंने अपने युद्ध के नारे हर हर महादेव और अपनी वीरता और साहस के साथ सभी को एकजुट करके मराठा साम्राज्य की नींव रखी, और कैसे उनकी मुलाकात वीर बाजी प्रभु से हुई, फिर उनके विचारों में जो मतभेद थे वो दूर हुए, और कैसे बाजी प्रभु देश पांडे की वीरता को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अपनी सेना में उच्च पद प्रदान किया था, और उसके बाद किस तरह 1660 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह और सिद्दकी के द्वारा घेरने की कोशिश की गई और वीर बाजी ने शिवाजी महाराज को अपनी आधी सेना देकर उनकी मदद की और खुद घोड़ घाटी में 300 सैनिकों के साथ 12,000 खूंखार और बर्बर मुगल दुश्मन सेना के समक्ष एक भयंकर युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन तब तक किया जब तक कि उन्हें शिवाजी महाराज जी के सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचने के संकेत नहीं मिल गए। हालांकि युद्ध में उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, मगर वो अपना नाम इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज कर गए। वैसे तो वीर बाजी प्रभु देश पांडे के साहस और बलिदान की कहानी काफी लोगों को पता है, कई टीवी शोज और पवन खिंड मूवी में इसे काफी अच्छे और प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है, लेकिन अपनी एक अलग अप्रोच के चलते ये मूवी अपने आप में एक यूनिक मूवी बन जाती है। एक महान वीर योद्धा होने के अलावा ये मूवी हमें वीर बाजी प्रभु की लाइफ के अलग अलग पहलुओं से रूबरू करवाती है। हम उन्हें अपने बेटे के सम्मान को वापस पाने के लिए तड़प रहे और स्वराज के लिए बेताब अपने धर्म और ईमान को साबित करते हुए देखते हैं। इस मूवी का स्क्रीन प्ले, इसकी स्टोरी लाइन और इसके डायलॉग्स बेहद ही उम्दा हैं। निर्देशक अभिजीत देशपांडे ने हर चीज को डेप्थ और डिटेलिंग के साथ पेश किया है। मूवी का फर्स्ट हाफ काफी शानदार और अट्रैक्टिव है। इंटरवल के बाद मूवी थोड़ा धीमी हो जाती है, मगर क्लाइमैक्स तक आते आते मूवी अपने पीक लेवल तक पहुंचकर रोंगटे खड़े कर देती है। मूवी की पूरी कास्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। शरद केलकर ने वीर बाजी प्रभु देश पांडे के रोल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी एक्टिंग, उनके इमोशन और उनके फाइट सीन्स को जिस तरह से उन्होंने मूवी में निभाया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार को सुबोध भावे ने जिस ठहराव के साथ पेश किया है वो कमाल का है। अपने रोल में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र और उनकी गरिमा को कहीं भी हल्का नहीं होने दिया है। फाइनली अगर कहा जाए तो हर हर महादेव एक मस्ट वॉच मूवी है, और छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देश पांडे की वीरता और साहस की कहानी को जिस बेहतरीन तरीके से पर्दे पर फिल्माया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।